नमस्कार दोस्तों, तो माइक्रोमैक्स ने फाइनली अपना बहुत ही बढ़िया एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन नोट 2, जो कि पिछले साल जो लॉन्च हुआ था माइक्रोमैक्स इन नोट 1 उसका डायरेक्ट अपग्रेड वर्शन है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 जो लॉन्च हुआ है जिसका जो एक वेरिएंट उसका जो प्राइस है 12,500 रुपये, क्या उस प्राइस पॉइंट में वो वाला स्मार्टफोन बेटर है या फिर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में जो मोटोरोला G31 वाला जो स्मार्टफोन अवेलेबल है वो बेटर है, तो इस वीडियो में जिसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में भी मैं पिछले वाले कंपैरिजन वीडियो के जैसा गिव अवे रखने वाला हूं, इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जानने के लिए आप वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो माइक्रोमैक्स टोटल दो कलर पे लॉन्च हुआ है जो कि ब्लैक और ब्राउन, और ये जो मोटोरोला इसका भी टोटल दो कलर मिलता है जो कि ग्रे और ब्लू। और मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स अगर इधर दो तीन और कलर लॉन्च करता तो मेरे ख्याल से और भी थोड़ा सा बेटर रहता। तो अगर हम दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, यही एक्चुअली माइक्रोमैक्स का मेन सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये स्मार्टफोन से 15,000 नहीं मेरे ख्याल से 20,000 रुपये के अंदर एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको टोटली ग्लास बॉडी देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का जो ग्लास वो नॉर्मल ग्लास नहीं है, वो एक्चुअली 9H हार्डनेस वाला ग्लास है। तो मतलब इस स्मार्टफोन का जो पीछे का डिज़ाइन वो बहुत ही प्रीमियम लेवल का डिज़ाइन है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप मोटोरोला के बारे में बात करें उसमें आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट, मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के डायमेंशन की अगर बात करें, माइक्रोमैक्स का थिकनेस है 8.3 मिलीमीटर और इसका वेट है 205 ग्राम। अब देखिए एक स्मार्टफोन में आपको ग्लास बॉडी मिल रहा है तो डेफिनेटली उसका वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसका वेट है 200 ग्राम से ज़्यादा। लेकिन मोटोरोला का थिकनेस है 8.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 180 ग्राम। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले की अगर बात करें, माइक्रोमैक्स में आपको मिलेगा 6.43 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले जिसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। मोटोरोला पे आपको मिलेगा 6.47 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। दोनों पे आपको ऑलमोस्ट 89% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। माइक्रोमैक्स में आपको डिस्प्ले पे प्रॉपर गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन मोटोरोला पे आपको डिस्प्ले पे गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन तो नहीं लेकिन कोई थर्ड पार्टी ग्लास प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम दोनों के टच सैमलिंग रेट की अगर बात करें, तो इधर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कितने हर्ट्ज का टच सैमलिंग रेट मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। माइक्रोमैक्स पे डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 550 निट्स और मोटोरोला पे डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 700 निट्स। तो मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स इधर स्लाइटली बेटर है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के परफॉर्मेंस मतलब प्रोसेसर। तो माइक्रोमैक्स पे आपको मिलेगा हीलियो G95 प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। मोटोरोला पे आपको मिलेगा हीलियो G85 प्रोसेसर, ये भी 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। मोटोरोला का एंटूटू स्कोर है 223,000 के आसपास और माइक्रोमैक्स का एंटूटू स्कोर है 295,000 के आसपास। तो मतलब परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली माइक्रोमैक्स इधर बेटर है। और माइक्रोमैक्स पे आपको एक और बढ़िया फीचर मिलेगा जो कि इसका इंटरनल कूलिंग सिस्टम। तो माइक्रोमैक्स पे आपको एक स्पेशल इनबिल्ट कूलिंग चेंबर देखने को मिलेगा, लेकिन मोटोरोला पे आपको ऐसा कोई भी इनबिल्ट कूलिंग चेंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम दोनों के कैमरे की अगर बात करें, माइक्रोमैक्स में आपको मिलेगा 48 5 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल एलईडी फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, लेकिन मोटोरोला पे आपको मिलेगा 58 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल एलईडी फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम बैक कैमरा सेटअप के बारे में बात करें दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर हम फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें उस मामले में डेफिनेटली माइक्रोमैक्स बेटर है। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स का ये जो स्मार्टफोन सिर्फ एक ही वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है जो कि 4GB RAM 64GB मेमोरी, लेकिन मोटोरोला पे आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलेगा 4 64GB और 6 120GB। माइक्रोमैक्स में आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट मतलब डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोटोरोला पे आपको मिलेगा 1+1 कार्ड स्लॉट या फिर जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड सिम का स्लॉट। इसका मतलब इसमें आप आइदर 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स और मोटो दोनों पे आपको LPDDR4X क्वालिटी का रैम देखने को मिलेगा। माइक्रोमैक्स पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 क्वालिटी का स्टोरेज, लेकिन मोटोरोला पे आपको मिलेगा eMCP क्वालिटी का स्टोरेज। और मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर माइक्रोमैक्स इधर UFS 2.1 क्वालिटी का स्टोरेज देता तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर रहता, लेकिन इस रैम और रोम क्वालिटी के मामले में दोनों इधर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ऑडियो सिस्टम के बारे में।
माइक्रोमैक्स में आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर, लेकिन उसके साथ आपको कोई भी डेडिकेटेड ऑडियो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मोटोरोला पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर और उसके साथ आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन। तो मतलब ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के मामले में मोटोरोला इधर ऑब्वियसली बेटर है। तो इसके बाद आनंद होने के बैटरी की अगर बात करें, माइक्रोमैक्स और मोटोरोला दोनों पे आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी। माइक्रोमैक्स पे आपको मिलेगा 30W का चार्जर, मोटोरोला पे आपको मिलेगा 20W का चार्जर। और दोनों स्मार्टफोन जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB टाइप सी। तो मतलब देख सकते हैं कि इधर अगर हम ओवरऑल बैटरी सपोर्ट की बारे में बात करें उस मामले में माइक्रोमैक्स डेफिनेटली बेटर है। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के पोर्ट की अगर बात करें, दोनों पे आपको 3.5 mm जैक मिलेगा। दोनों पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर दोनों के OS की बारे में बात करें, दोनों पे आपको करेंटली एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा और दोनों का ही जो यूजर इंटरफेस वो आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड। लेकिन इधर दोनों के स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जो मोटोरोला का स्टॉक एंड्रॉयड वो एक्चुअली ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड लाइक यूजर इंटरफेस है, लेकिन माइक्रोमैक्स में आपको प्योरली स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली अगर हम दोनों के प्राइस की अगर बात करें, माइक्रोमैक्स का 464 GB का प्राइस है 12,500 रुपये, मोटोरोला का 464 GB का प्राइस है 13,000 और 6 120 GB का प्राइस है 15,000 रुपये। तो आप आ रही इस वीडियो के कंक्लूशन की, तो इस जगह पे एक सिंगल चार्ट में मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगा कि माइक्रोमैक्स और मोटोरोला के बीच में किस में आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि बीच में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में मोटोरोला के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्राइटर डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन, मतलब ये टोटल दो एडवांटेज आपको मिलेगा कॉम्पेयर टू माइक्रोमैक्स। लेकिन अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में माइक्रोमैक्स के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्लास बॉडी, जो कि ऑब्वियसली सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बेटर क्वालिटी CPU, बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप, बेटर क्वालिटी चार्जर, इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम और 2+1 कार स्लॉट। तो मतलब इधर तक ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आज के दिन में अगर आपका बजट है 12,000 से 13,000 रुपये के अंदर और अगर आप सोच रहे कि कोई सबसे अच्छा डिज़ाइन वाला, सबसे अच्छा डिस्प्ले वाला और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला कोई स्मार्टफोन आपको लेना है, तो आपके लिए टोटल एक ही चॉइस है जो कि है माइक्रोमैक्स इन नोट 2। मतलब अगर मैं इधर मेरा ओपिनियन दूँ तो माइक्रोमैक्स ने जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक साल बाद ये जो अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ये माइक्रोमैक्स इन नोट 2 डेफिनेटली प्राइस रेंज का बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन में आपको दो इशू मिलेगा। पहला तो इसका कलर, देखिए जो ब्लैक कलर और जो ब्राउन कलर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। तो मेरे ख्याल से अगर इधर ब्लू या फिर येलो या फिर ग्रीन कलर होता तो मेरे ख्याल से और भी बेटर रहता। और जो दूसरा, इसमें अगर एटलीस्ट UFS 2.1 का स्टोरेज रहता तो भी बहुत ही बढ़िया रहता। और अगर हम ये दो चीज़ को छोड़ देते तो बाकी सभी मामले में जो माइक्रोमैक्स नोट 2 प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन 12,000 से 13,000 रुपये के अंदर कि आप लेना चाहेंगे या फिर स्किप करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो में भी मैं पिछले वाले वीडियो के जैसा डिजिटल गिव अवे करने वाला हूँ। डिजिटल गिव अवे मतलब 5 रुपये के अंदर आपको कोई भी चीज़ मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल UPI कैश या फिर कोई भाउचर, मतलब जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल 2 रूल है। पहला, इस वीडियो को एक लाइक करना है और अपने कोई ना कोई सोशल मीडिया साइट में इसे एक बार शेयर करना है। और जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव कमेंट करना है, जिससे कि यूट्यूब उस कमेंट को ब्लॉक ना करे। उसके बाद जैसे ही इस वीडियो पे टोटल लाइक 100 कंप्लीट हो जाएगा, मैं रैंडम कमेंट पिकर के जरिए आप में से किसी एक का नाम चुन लूंगा। उसके बाद जिसका नाम निकलेगा मैं उन्हें पर्सनली मैसेज करके पूछ लूंगा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो चाहिए होगा मैं वो उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यही होगा गिव अवे का रूल और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।